हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोट नंदीस ऑल इन वन। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए एक और नई कंपनी बाजार में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी की ऑफिशियली डेट अनाउंस हो गई है। कंपनी का नाम है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड। कंपनी के आईपीओ की ओपन डेट होने वाली है 27 अप्रैल की। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड भारत में एक बहुविशिष्ट बाल चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल श्रृंखला संचालित करता है। कंपनी नवजात और बाल चिकित्सा गहन देखभाल, बाल चिकित्सा बहुविशिष्ट सेवाएं, बाल चिकित्सा क्वाटर्नरी केयर, प्रसूति और स्त्री रोग जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिनमें सामान्य जटिल प्रसूति देखभाल और बहु विषयक भ्रूण देखभाल, प्रसवकालीन आनुवंशिक और प्रजनन देखभाल शामिल है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल 30 सितंबर 2021 तक 6 शहरों में 14 अस्पतालों और 3 क्लिनिकों का संचालन करता है, जिनकी कुल बेड की क्षमता 1500 बेड की है। 1999 में कंपनी ने हैदराबाद में अपना पहला बाल चिकित्सा विशेषता अस्पताल शुरू किया। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड एक पूर्णकालीन डॉक्टर मॉडल पर काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकांश मुख्य विशेषज्ञ 2417 उपलब्ध है, जो विशेष रूप से बच्चों की आपातकालीन नवजात और बाल चिकित्सा गहन देखभाल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी में 602 पूर्णकालीन डॉक्टर और 1686 अंशकालीन विजिटिंग डॉक्टर थे। कंपनी की कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो विशेषीकृत बच्चों के अस्पतालों की अवधारणा बनाने और संचालित करने की क्षमता, जटिल रोगों के प्रबंधन में मजबूत नैदानिक विशेषज्ञ के साथ अग्रणी बाल चिकित्सा बहु विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल श्रृंखला, व्यापक प्रसवकालीन देखभाल प्रदाता, बाल चिकित्सा और प्रसूति और स्त्री रोग सेवाओं के बीच तालमेल के साथ हब एंड स्पोक मॉडल तालमेल प्रदान करता है और रोगियों के लिए बेहतर देखभाल पहुंच सुनिश्चित करता है। विकास और परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत संस्थागत शेयरधारकों समर्थन के साथ अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन की टीम। कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो डॉक्टर रमेश कांचरला, डॉक्टर दिनेश कुमार चिरला और डॉक्टर आदर्श कांचरला कंपनी के प्रमोटर है। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आंकड़े मिलियन में दिए हैं। साल 31 मार्च 2019 में कंपनी को 445.90 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2020 में कंपनी को 553.40 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 395.68 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। 31 दिसंबर 2020 में कंपनी को 385.25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था और 31 दिसंबर 2021 में कंपनी को 1264.13 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। 31 दिसंबर 2021 में कंपनी के एसेट में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको बेहतर बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी अच्छा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी का इश्यू लाने का उद्देश्य, कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों का वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। NCDS का प्रारंभिक मोचन पूर्ण रूप से और ऐसे नए अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए पूंजीगत व्यय और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में कंपनी करेगी। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ के पीयर कंपैरिजन कंपनियों के बारे में बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदय, मैक्स हेल्थ केयर, किम्स, ये सारी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। इन सभी कंपनियों के मुकाबले रेनबो कंपनी भी वैल्यूएशन की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी की इनकम 660 करोड़ की थी। 21 अप्रैल 22 तक कंपनी का पी 127.53 का था, पीबी 11.10 का था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.88% का है। अब बात करते हैं रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की ओपनिंग डेट होने वाली है 27 अप्रैल की। आईपीओ की क्लोजिंग डेट होने वाली 29 अप्रैल की। इश्यू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की प्राइस बैंड है 516 से ₹542 पर इक्विटी शेयर। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि 542 पर। मार्केट लॉट 27 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शेयर की 27 शेयर ही है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगी। इश्यू की साइज है 1595.59 करोड़ का। फ्रेश इश्यू 280 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल के लिए 2,40,09,00 इक्विटी शेयर हो गए। QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन कोटा रखा हुआ है। रिटेलर के लिए 35% का कोटा, HNI के लिए 15% का कोटा तय किया हुआ है। एम्प्लॉयज के लिए 3,00,000 शेयर का रिजर्वेशन किया हुआ है और एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट ₹20 पर शेयर मिलेगा।
रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ की टाइम टेबल के बारे में बात करें तो आईपीओ की ओपन डेट 27 अप्रैल की है, आईपीओ की क्लोजिंग डेट 29 अप्रैल की है। आईपीओ का अलॉटमेंट 5 मई को होगा। अलॉटमेंट नहीं मिला उसे पैसे उसके बैंक अकाउंट में रिफंड 6 मई को कर दिए जाएंगे। अलॉटमेंट मिला उसे शेयर उसके डिबेट अकाउंट में क्रेडिट 9 मई को कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 10 मई को होगी। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लॉट साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम एक लॉट में 27 शेयर है, उसकी अमाउंट है 14,634 रुपए। मैक्सिमम 13 लॉट में 351 शेयर है, उसकी अमाउंट है 1,90,242 रुपए। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 62.19% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग 49.83% की रहेगी। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ का रजिस्ट्रार है क्यूफाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ का लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये सभी कंपनी के लीड मैनेजर है। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो गाइस, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 से 43 रुपए पर सेल चल रहा है। 38 के हिसाब से एक लॉट पर 1,026 रुपए का प्रॉफिट आज के दिन पर दिख रहा है। आगे भी आपको मार्केट अच्छा रहा तो ये लिस्टिंग गेन दे सकता है। लॉन्ग टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो क्या गाइज आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो मेरे अनुमान से तो गाइज आपको इस आईपीओ में QIB, HNI और रिटेलर की ओर से कितना सब्सक्रिप्शन होता हुआ देखने को मिलता है, उसके बाद आप अपना मन बना सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। तो गाइज, ऐसी आईपीओ रिलेटिव और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।